इस कार्यशाला का निर्माण 150 साल पहले शहर से निकलने वाली गगन नहर के लिए अंग्रेजी वैज्ञानिक प्रोबे कोचले ने किया था। शहर के सबसे बड़े क्षेत्रफल में यह उद्योगशाला स्थापित की है। देश ही नहीं उत्तराखंड की नदियों नहरों के बैराज और डैम बनाने में इस उद्योगशाला का महत्वपूर्ण योगदान रहा। खास बात यह है डाक पत्थर ढालीपुर ढकरानी मनेरी भाली परियोजना में इसी उद्योगशाला के निर्मित डैम और गैराज आज भी लगे हुए हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण के बाद ही उद्योगशाला सिमटती चली गई। यहां तक कि प्रदेश की किसी भी सरकार का इस उद्योगशाला पर ध्यान नहीं है। उद्योगशाला यहां पे लगभग 150 वर्ष पुरानी है और इस उद्योगशाला में बैराज के और डैम्स के गेट वगैरह बनाने का कार्य किया जा रहा है। सब आजकल दिक्कत चल रही है, लेकिन जो कार्य आए हुए हैं उनको कराया जा रहा है। इस समय उद्योगशाला में 3 जलाशयों के गेटों का कार्य चल रहा है, जिसमें खासतौर से थरकोट और गदास इत्यादि हैं। ये सर कोटले के टाइम में बनाई गई थी और ये एक आर्मी के इंजीनियर थे, और जिस समय यहाँ पर नहर का निर्माण कराया गया उस समय नहर के निर्माण के समय इस उद्योगशाला की आवश्यकता पड़ी, उस समय इस उद्योगशाला को स्थापित किया। आज की तारीख में यहाँ पर लगभग 70-80 कर्मचारी कार्यरत हैं जो औद्योगिक अधिष्ठान के हैं, और एक डिवीजन होने के नाते यहाँ पर शेष जो नियमित कर्मचारी हैं कार्यालय के क्लरिकल स्टाफ के और सर, लॉकडाउन का प्रभाव काफ़ी पड़ा है। शुरुआत में लॉकडाउन में बिल्कुल कार्य नहीं हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे जब 4 मई के बाद खुलना शुरू हुआ लॉकडाउन, तो कर्मचारी आने लगे और काम प्रारंभ हुआ। कारोबार चल रहा है, समय आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों से काम लिया जाता है, और इसके लिए जो है जो लोग हैं वो काम लेते हैं जितने की आवश्यकता होती है। इस उद्योगशाला का फिलहाल ये प्लान है कि इसमें काम ढूंढा जाएगा और कार्य इससे लिया जाएगा। इसमें काफ़ी बेहतरीन मशीनें हैं और ऐसी ऐसी मशीनें हैं कि जो बाहर आपको काम कराने में बड़ी मुश्किल होगी, तो उन मशीनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे काम कराए जाएंगे जो बाहर कहीं नहीं हो सकते। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन